अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और सर्दियाँ आ गई हैं तो अब तो बच्चों की छुट्टियाँ भी होने वाली हैं, तो मज़े मज़े की चीज़ें बनाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। और ये आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, तो आप ये वाली रेसिपी मेरे साथ एंड तक फॉलो करिएगा। अगर एक भी स्टेप मिस हुआ तो फिर आपको ये आप बना नहीं सकेंगे। तो आपको देख के अंदाज़ा तो हो गया होगा मैं क्या बनाने जा रही हूँ आज से। स्ट्रॉबेरी चीज़ केक, तो इसको बनाने के लिए इतना कोई इतना मुश्किल तो हमें कुकिंग नहीं करनी होती। इसमें जो चीज़ें चाहिए होती मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हमें चाहिए पिसी हुई शक्कर और दो क्रीम के बॉक्सेस हैं, चीज़ की छोटी बॉटल्स हैं दो, वनीला एसेंस है, जेलेटिन है, फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज हैं और ये बिस्किट्स हैं। ये चार रोल ले लें कोई सा भी और मेल्टेड बटर। सबसे पहले हमने बिस्किट को ब्लेंडर में डालेंगे। आप हाथ से क्रश कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने इसके अंदर किया था, अगर आपको हाथ से आसानी होती तो आप हाथ से कर लीजिएगा। और उसके बाद ये मैंने ये डाल के और उसके ऊपर बटर डाल दिया और फिर इसको मैं भी पीस लूँगी। फिर पीसने के बाद आप इसके अंदर थोड़े से चंक्स रह गए थे तो उसको आप हाथ से तोड़ लीजिएगा और अच्छे से मिक्स कर लें कि जो आपका बटर और बिस्किट है वो अच्छे से मतलब बाइंड हो जाए। तो ये थोड़ा सा जब बाइंड होना शुरू हो जाएगा तो आपकी बेस बहुत अच्छी बनेगी। तो आप ये वाला मैंने पैन लिया है जिसका साइज़ है 24 सेंटीमीटर और ये खुलता है। तो ये खुलने के लिए मैंने इसलिए लिया है कि क्योंकि चीज़ हमारा केक जो है वो आराम से निकल आएगा। आपके पास जो भी हो पैन तो आप वो ले सकते हो, कोई मसला नहीं, आप पैन में ही सर्व कर दीजिए। फिर उसके बाद जो मेरा जो बिस्किट का मैंने क्रश करके रखा हुआ था वो मैंने पूरी इसकी बेस बना दी अच्छे से, उसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रीजर में रख दूँगी। मैंने फ्रीजर में इसलिए रखा है कि ताकि जो बिस्किट की बेस है वो अच्छे से जम जाए, तो उसके बाद जब हम चीज़ डालेंगे तो वो बहुत अच्छे से उसके ऊपर सेट हो जाएगी। अब मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसको मैंने गर्म कर लिया है और थोड़ा सा गर्म करना है, ज़्यादा नहीं। और उसके अंदर मैं डालूँगी जेलेटिन, टीस्पून डालूँगी 2 से 3 और उसको मेल्ट करके मैं अच्छे से मिक्स करके कि ताकि वो पूरा घुल जाए और मैं उसको साइड में रख दूँगी। और जब ये मिक्स होने के बाद फिर मैं एक बोल लिया है मैंने, फिर उसके अंदर मैंने जो पूरी चीज़ मेरी बॉटल थी छोटी वाली दो वो मैंने ले ली। आप मीडियम साइज़ की भी ले सकते हैं, तो मुझको यही मिली थी तो मैंने ये ले लिया। अब इसकी मर्ज़ी है, आपको चीज़ जितना भी इस्तेमाल करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने ये वाली छोटी ली थी। अभी मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून शुगर डाल दिए इसीलिए, और उसको मैं मिक्स कर लूँगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद जो मेरे पूरे जो 2 क्रीम के पैकेट्स थे वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, इसमें ऐड कर दूँगी ताकि मतलब एक थोड़ा सा एक अच्छा सा गाढ़ा सा एक मिक्सचर बन जाए। और उसके अंदर आप वनीला एसेंस भी डाल दें और जो बाकी शुगर थी, यानी टोटल इसके अंदर 5 टेबल स्पून जो है वो शुगर है। तो अब डालने के बाद वनीला एसेंस डालें। आपके पास स्ट्रॉबेरी वाला है तो आप स्ट्रॉबेरी वाला डाल दें, मेरे पास वनीला था तो मैंने क्रीम के अंदर वनीला डाला एसेंस, और ये जेलेटिन जो मैंने मेल्ट किया हुआ था वो भी मैंने इस चीज़ के अंदर डाल दिया। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस ये हमारा ये रेडी हो गया। अब हम इसको जो हमारे बिस्किट की बेस बनाई थी उसके ऊपर हम इस चीज़ के जो हमारा लिक्विड है इसको हम डाल देंगे। इसके बाद इसको भी मैंने फ्रीजर में रख दिया, थोड़ा सा सेट हो जाएगी। अब इसके बाद मैं स्ट्रॉबेरीज को लूँगी, इनको वॉश करके, और मैं इनको भी ब्लेंडर में पीस लूँगी। थोड़ा सा पानी डालिएगा, वैसे तो फ्रोजन है ज़रूरत नहीं, लेकिन वो पिसेगा नहीं तो इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे पानी डालना पड़ा, लेकिन थोड़ा सा जो था ये लिक्विडी हो गया था। तो चलें कोई बात नहीं, जब मैं उसको पकाऊंगी तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून के करीब आप जो है उसके अंदर पिसी हुई शक्कर डाल लीजिए। फिर ये हमारा स्ट्रॉबेरी वाला मिक्सर तैयार है। अब मैंने दोबारा से पानी थोड़ा सा गर्म किया है और ये जेलेटिन जिसके अंदर आप फिर आप 3 टीस्पून जो है वो उसमें जेलेटिन डाल के इसको मिक्स करके साइड में रख लीजिए, क्योंकि हमें ये स्ट्रॉबेरी के अंदर भी डालना है। तो ये मैं इसको अभी मैंने ये मिक्स हो गया मेरा, मैं इसको साइड में रख लूँगी। अभी मेरा स्ट्रॉबेरी जो लिक्विड था, जो मेरा पेस्ट था, वो तैयार हो चुका है। इसके अंदर जो मैंने जेलेटिन मिक्स किया था, मेल्ट किया था, वो मैं स्ट्रॉबेरी के अंदर डाल दूँगी। ठीक है, अब जेलेटिन डालने के बाद फिर मैंने इसको जो मेरा स्ट्रॉबेरी का
स्ट्रॉबेरी जो मैंने मेल्ट की हुई थी इसको मैं अब मैं थोड़ा सा पका लूँगी, थोड़ा सा गाढ़ा कर लूँगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी डाला है रेड, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, आप पर डिपेंड करता है। और मैंने थोड़ी स्ट्रॉबेरीज बचा ली थी, उनको मैंने कट कर लिया था स्लाइसेस में। अब ये मैंने मेरा पक, जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आप डालिएगा चीज़ के ऊपर, ऐसे गर्म नहीं डालिएगा। अब मैंने इसको डाल दिया, जब मेरा ये ठंडा हो गया मैंने स्ट्रॉबेरीज मैंने अपनी कट की हुई थी वो मैंने इसमें लगा के इसको डेकोरेट करके और फ्रीजर में रख दिया। एक से आधा घंटे से एक घंटे तक आप रख लें और ये मेरा रेडी है चीज़ केक। देखें कितने मज़ेदार लग रहा है, और चारों तरफ अभी छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, और सबने बड़े मज़े से खाया, बहुत मज़े का था। आप लोग भी घर में ट्राई करें, अभी बच्चों की छुट्टियां आने वाली हैं तो बच्चों के लिए आप ज़रूर ये बनाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बच्चों से प्यार, बड़ों से प्यार, और पेट्स और एनिमल से प्यार। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।